हे गाइज, वेलकम टू सैम साउंड व्लॉग्स। तो गाइज, आज फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लॉग चैनल पे। तो गाइज, आज हम आपको दिखाएंगे मच्छी मारना। तो आज हम गए थे यार मच्छी मारने, क्योंकि उससे तो आया था, तो यार बोल रहा था उससे कि मच्छी मारने चलते हैं, काफी टाइम बाद आया था घर, तो यार बोल रहा था चलते हैं, तो हमने कहा चलते हैं। तो कुछ इस टाइप की लोकेशन पे रुके हैं यार, तो देख सकते हो यहाँ हम मच्छी मारने के लिए रुके हैं, और हमने आधा काम कर दिया है जो हमने आपको दिखाया नहीं। तो अब दिखाते हैं हमने क्या क्या किया। तो यार कुछ संभल के ही चलना पड़ता, तो कुछ इस टाइप से था, यहाँ से पानी जा रहा था नीचे को, तो हमने पानी रोका है, कम पानी करा है, तो ये देख सकते हो कम पानी, और यहाँ से पूरा डगा है, मतलब बूझा है, तो ये देख सकते हो, और ये पानी जा रहा है, यहाँ से हमने काट दिया है, ताकि हमने जिस लोकेशन पे मच्छी मारनी है उस लोकेशन पे वो ना हो पाए। तो यार यहाँ पे उससे आवाज लगा रहा है कि मच्छी आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो दिखाते हैं यार मच्छी। तो ये देख सकते हो गाइज मच्छी, तो उससे ज्यादा पकड़ेगा वो, देख 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 नीचे पे चल उसी। ओ भाई, तो अभी दिखाते हैं यार मच्छी तो गायब हो गई। तो कुछ इस टाइप की लोकेशन बता था, तो ये देख सकते हैं हमने कुछ इस टाइप की लोकेशन पे उस दाने मच्छी, ये देखो तो ये यहाँ पे मच्छी पटकी जा रही है, तो ये देख सकते हो गाइज। तो ये देखो भाई लोग, ये देखो हमारा पहला प्रयत्न सफल रहा, ये हमें मिल चुकी है हमारी पहली मच्छी। तो देख सकते हो पहली मच्छी, ये है पहली मच्छी, और ये दूसरी भी आ चुकी है, ये देखिए दो मच्छियां हो चुकी हैं। तो यार इसी के साथ अब हमारा उत्साह बढ़ेगा, और हम और भी मच्छी मार रहे हैं आगे को। तो यार दिखाते हैं हम आपको सीधे तालाब। तो ये है कुछ तालाब लोकेशन, तो यहाँ तो अभी जाएंगे, हमने यहाँ से घोला था ना, तो यहाँ से हमने घोला था, तो यहाँ पर तक पहुँच गया, तो यहाँ पे मच्छियां मरी थी, तो नीचे तो व्हाइट व्हाइट हो रहा है, बट पता नहीं क्या हो रहा, मच्छी तो मिली नहीं अभी तक नीचे पे। तो एक मच्छी यहाँ पे भी है गाइज, और एक वहाँ पे, तो हम यहाँ की मच्छी पकड़ते हैं भाई लोग, और दिखाते हैं आपको सीधे, और यहाँ पे उसी तरह को पुराना एक्सपीरियंस है ठहराई मच्छी मारने का। तो ये देख सकते हो यार, आज काफी टाइम बाद भी, मतलब बोलते हैं ना काम करते करते कि भयंकर काम कर लो आदमी भूलता नहीं है, वो तो याद ही रहता है। तो ये काफी टाइम बाद मार रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस फुल है। तो देख सकते हो ये मच्छियां, दो मच्छियां हैं, और बाकी अभी पकड़ के दिखाएंगे हम आपको। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ नीचे पे मच्छी पकड़ने, तो मैं आपको दिखाता हूँ मच्छी पकड़ते हुए, एक दो मच्छी मैं भी पकड़ लेता हूँ, तो दिखाता हूँ यार। पहले तो आग जड़ गई हूँ, ओ भाई पूरा गीला हो गया यार, पेंट वेंट ये देख सकते हो यार, आप पूरा पानी में गिर गया था, तो यहाँ पे काई जमे रहते, तो यार यहाँ से स्लाइड हुआ पूरा यार यहाँ पे तक। तो यहाँ पे मैं मच्छी पकड़ने आया था, तो यार पूरा गंदा हो चुका हूँ, एक बार साफ करता हूँ और फिर पकड़ता हूँ मच्छी। तो यार मैं जा रहा हूँ मच्छी पकड़ने नीचे पे, वहाँ पे तो मैं चिफल गया था, मतलब कि फिसल गया था, तो यार ये ऐसे जा रहा हूँ, तो यार संभल के ही जाऊंगा, पूरी काई लगी है, तो आराम से जाएंगे, और आगे पे मच्छी है बता रहे हैं भाई साहब, यहाँ तो पूरी फिसलन ही फिसलन हुई है। तो भाई मच्छी तो भाग गई, तो एक मच्छी है ये, मैं दिखाता हूँ इसे पकड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यार पानी के अंदर तो दिख रही नहीं दिख रही, पता नहीं, तो निकालता हूँ और दिखाता हूँ मछली। ओ भाई भाग रही है, तो ये देख सकते हैं गाइस, मैंने मछली पकड़ ली, ये है मछली कुछ इस प्रकार से। ओ भाई ये तो पूरी गंदी हो गई, तो भाई ये देखो गाइस मछली, दोस्तों हमें हमारी एक और मछली मिल चुकी है, तो अब मछली पकड़ते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। तो भाई लोग मैं अब टाइम लैप्स लगा रहा हूँ आप लोग को वीडियो दिखाने के लिए ना, टाइम लैप्स में, तो देख रहे हो कितनी खतरनाक जगह फोन रखा हुआ यार, यहाँ पे अगर फोन नीचे गया तो सीधे पानी में जाएगा, और हमारा यार गरीब का फोन हुआ तो सीधे भीगेगा, और वाटरप्रूफ तो होगा नहीं, तो फोन खत्म, फिर उसके बाद तो व्लॉग ही नहीं आ पाएगा। तो ऐसे अच्छी से सेट करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं हम आपको टाइम लैप्स। फाइनली यार यहाँ की मछलियां निकाली थी, और यार तुम्हारा भाई पूरा पानी में गिर गया था यार, तो यार ये देख सकते हो कपड़े सारे के सारे गीले हो गए, और हमने यहाँ साफ कर दिया, यहाँ से निकली हमारी तकरीबन 1 किलो मछलियां। तो अभी नीचे पे जाके दिखाता हूँ, वहाँ पे रखी है मछलियां, और यहाँ से कुछ इस टाइप का करा था, तो अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे, तो अब वहाँ दिखाते हैं हम आपको जर। फाइनली यहाँ से कुछ इतनी मछलियां निकली, तो अब चल रहे हैं नीचे को, तो वहीं पे दिखाएंगे हम आपको खोल के भी, और भी वहाँ भी मारेंगे, और आगे आगे चल रहे हैं उससे। भाई लोग नीचे थी नदी, तो यार रास्ता कुछ इस टाइप से था, तो कुछ इस टाइप से की लोकेशन से भी आना पड़ता है यार, तो यार हम यहाँ से जाएंगे, कुछ इस टाइप से जाना पड़ रहा है, तो ये क्रॉस करेंगे और नीचे रास्ते में बनेंगे, तो चलते हैं यार क्रॉस करते हैं, और ये हाथ पे मछलियाँ भी हैं, तो चलते हैं यार नीचे को। तो वहाँ से निकलने के बाद यार मैं नीचे पहुँच गया, वो तो बहुत ही भयानक रास्ता था भाई, फिक्स आदमी के लिए रास्ता, और उल्टा होके आया भाई, क्या ही बताऊँ तुम्हें, दिखा नहीं पाया ना, क्योंकि यार फोन कैसे पकड़ता और निकलता कैसे इसलिए। तो भाई यार हम पहुंच गए हैं फाइनली अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे हमने एक बार बहुत पहले मछलियाँ मारी थी, तो यार उसकी बोल रहा है कि वहाँ पे होगा, होंगे तो होंगे,
पिछली बार हमने इतनी ज्यादा बड़ी मछलियां मार थी ना गाइस इस लोकेशन में, मतलब जो ये दारे टाइप में ना जो पानी जा रहा है, तो हमने यहाँ से मछलियां निकाल के मारी थी भयंकर। और एक बुबू थे यार तब रोटियां मैंने था, तो वो बुबू भयंकर पूरी मछली पकड़ के पैर लगा के ऐसे तोड़ रहे ठहरे भैया, इतनी बड़ी मछली थी आप लगा नहीं सकते कितनी बड़ी होगी। तो यार देखते हैं आज इस लोकेशन से कितनी मछलियां मिलती हैं। तो ये बोल रहा है कि हैं मछलियां, तो यार होंगी क्योंकि ये बोल रहा है ये पुराना शिकारी रह चुका है। तो अब यहाँ पे मारते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि है या नहीं है। ओ भाई इतनी बड़ी मछली देखी ना क्या ही बताऊं, यहाँ तो हमने ज्यादा काम भी नहीं करा, खाली वहां से पानी कटा रहे, पुराना स्पॉट था तो सिलाई का कहना सही हुआ। और यहाँ पे मछलियां देखिएगा इतनी बड़ी बड़ी मछलियां आ रही है ना, क्योंकि हमने पानी घटा दिया तो मछलियां अब फड़क रही हैं क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा। तो अभी दिखाऊंगा इतनी बड़ी बड़ी मछलियां ना अभी आपको दिखाऊंगा और काफी मजा आ जाएगा यार आप लोगों को। तो अभी दिखाऊंगा, अभी तो पता नहीं कहां गई, तो यहां पे घोलते हैं और उसके बाद मिलते हैं बड़ी मछली के साथ। ओके, और यहाँ पे बनाया जा रहा था मछलियों के लिए डोज और वो चले गए डोज खिलाने मछली को। तो अब मछलियाँ खाएंगी और उसके बाद देखो हम पकड़ेंगे मछलियाँ। यस, तो गाइस ऊपर पे चल रहा है काम। तो यार आज हम काफी टाइम बाद गए मछलियाँ मारने, वैसे तो कम ही जाते थे। तो ऊपर पे एक दादा बोल रहे थे कि मछलियाँ नीचे को मत जाओ ऊपर में मार लो, हमने कहा नहीं, ये बोला था चलते हैं चलते हैं, एक्सपीरियंस हुआ पुराना। तो यार हम आए नीचे तो अपने वही पुराने स्पॉट में जहाँ केजी को छोर लगा था एक बार। तो यार देख सकते हो यहाँ पे मछलियाँ कई काफी बड़ी बड़ी हैं। तो यार अभी मारते हैं और फिर दिखाते हैं, अभी भाई गोल है ब्लेजिंग, तो फिर मिलते हैं मछलियों के साथ। तो गाइस पहली मछली आ चुकी है यहाँ से हमारी, और दूसरी देख सकते हो आप इतनी छोटी जगह से कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ निकालते हैं। तो आप देख सकते हो आप उसी को, मैं तो गिर गया था ना यार गाइस। तो यार कपड़ा खोल दिया, पैंट हमने सुखाने के लिए धूप पे डाल दिया, तो अब उसी पकड़ रहा है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये आ चुकी है हमारी मछली, ये गाइस अभी तो इससे भी बड़ी बड़ी मछली है, तो देखो कहाँ कहाँ से निकालते हैं। तो देखो देखो यहाँ संघर्ष जारी है, शायद से पकड़ ली है। तो ये देखो गाइस दूसरी मछली भी आ चुकी है। तो अब मैं भी थोड़ा मछली पकड़ता हूँ और फिर मिलता हूँ यार आप लोगों से, तब तक के लिए मछलियाँ एंजॉय करो। गाइज गाइज तीसरी मछली भी आ चुकी है, तो देख सकते हो यार कितनी बड़ी है, ये देखो गाइज कुछ यहाँ से ही निकाली है लोकेशन से, तो ये देख सकते हो इतनी बड़ी मछली। तो यार मैं भी जाता हूँ। तो गाइज यार यहाँ से मछलियाँ थोड़ा कम आई, तो यार दिखाता हूँ आपको कितनी आई। तो यार मछलियाँ कुछ इतनी आई, लेकिन साइज बहुत ही भयानक निकला, मतलब बहुत ही मजा आ गया। तो साइज कुछ इस प्रकार का है मेरे हाथ के बराबर, ये देख सकते हैं। तो यार हम काफी खुश हैं मतलब इतने में भी। और ये हमारे ऊपर वाली मछलियाँ और यहाँ पे सूरा पकड़ रहे हैं, और तो ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से है नदी। तो गाइस यार हमने फाइनली मछलियाँ मार ली थी, तो यार टाइम भी हो रहा है 1 बजने को, तो अब हम सोच रहे हैं कि चलते हैं घर को। तो यार दिखाता हूँ आप लोग की हमने कितनी मछलियाँ मारी। तो यार देख सकते हैं कुछ हमने इतनी मछलियाँ मारी हैं, और ये है हमारे पास बड़े बड़े साइज के, तो देख सकते हो ये तो आज पार्टी होगी मस्त। ये देख सकते हो बड़े बड़े भी हमारे पास, छोटे छोटे भी, छोटों का पकौड़ा बन जाएगा और बड़ों का बन जाएगा सूप। तो यार खुद मारी हुई मछलियाँ फ्रेश एकदम फ्रेश होती हैं, अब मार्केट वाली तो क्या पता पुरानी भी हो सकती है, लेकिन खुद मारे तो फ्रेश है एकदम, और देख सकते हो तो इनको खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा यार। तो यार इसी के साथ अब चलते हैं हम घर को, वो है रास्ता। तो यार इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। तो यार आप लोग बताना कि मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मछलियाँ आप एक बार और देख सकते हो, तो ये देख लो। तो यार मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।